सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा एक्शन। ओके, तो आज हम पता है मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन गाइस अभी ऑफलाइन आप जानते नहीं हैं हमने क्या क्या किया है। हाँ, मेरे पेपर चल रहे थे इसके लिए मैं लेट हूँ, लेकिन देखिए हमारे हाथ में आ चुका है एक रेयर रेस्ट क्या बोलते हैं हाँ रेयर हथियार। हाँ, और इसका नाम है ट्राइडेंट। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ ये मुझे कैसे मिला। बढ़िया। हाँ, तो क्लिप्स देखिए। ओके, तो बस ये हमारा बेस तैयार होने वाला है और हो गया। ओके, कंप्लीटेड। ओके, ये आखिरी बेड और ये हमारा विलेजर फार्म रेडी हो चुका है। ओके, थोड़ा दिखाता हूँ मैं आपको ओवरव्यू। ओके, तो ये रहा हमारा विलेजर फार्म। ओके, तो अब यहाँ से एक हम ये शेल निकालेंगे, देखते जाओ क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक डाउन दिखा था, हाँ ये रहा, इसको मैंने ये वाला शेल दिया और इसने ट्राइडेंट फेंक दिया। मैंने ट्राइडेंट उठा लिया और वो भी फुल लाइफ बार। मैंने लूटिंग ट्री से इसको मार दिया और मुझे वो शेल वापस मिल। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने क्लिप्स देख ली होंगी और आज मैं आपको एक छोटा सा कैरसल टूल भी देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं हमने ये कैरसल बनाया था और हाँ, इसमें मैंने थोड़ा रेड स्टोन का काम भी किया है, वो भी दिखाता हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिक डोर है, अंदर आते से सामने है हमारा एक आलिशान कैरसल। और ये लाइट भाई, ये जादू की लाइट है, ऐसे वैसे लाइट नहीं है। जब सोने का टाइम हो जाता है ना, तब जाके ये वाला लाइट जलता है और हम सो सकते हैं। अभी एक भी नहीं जल रहा है, मतलब सोने का टाइम नहीं है। और बाकी सामान रखने की जगह, और ये हमारा एन्चांटमेंट टेबल, और बाकी तो सब ठीक है। नीचे मैंने टॉर्चेस लगा के रखी हैं कारपेट के, हाँ क्योंकि यहाँ बहुत अंधारा हो रहा था, अंधेरा जो भी बोलते हैं। और हाँ, ये मेरा तन है भाई, इतना बड़ा घोंचू है, उसने एक और ये बना लिया एन्चांटमेंट टेबल। चलो कोई बात नहीं, ये इसको इधर रखते हैं। हाँ ओके, तो आज का हमारा प्लान है इस टेम्परेरी घर को तोड़ना। हाँ, वैसे आधा मैंने तोड़ ही दिया है, अभी और तोड़ते हैं। और हाँ, वैसे मुझे याद नहीं मैंने आपको क्लिप में दिखाया कि नहीं, ये हमारा इन्फिनिटी एमरल्ड फार्म है, मैं बताता हूँ कैसे। चलो दिस इज अ इन्फिनिटी एमरल्ड फार्म। देखो सही नहीं कर रहा, सबसे पहले इससे बुक शेल्फ खरीदो जो कि मैंने खरीद के रखी हैं, इनको इधर बिछाओ। ओके, अरे हाँ ठीक है, और इन्हें एग से तोड़ो, इनसे हमें बुक मिलेंगी। ओके, ये मिल गई हमें 45 बुक्स। ओके, तो अब देखो ये बुक शेल्फ हमें एक में दे रहा है और एक एमरल्ड में, और एक एमरल्ड से हमें तीन बुक्स मिलती हैं, क्योंकि एक बुक शेल्फ को तोड़ के तीन बुक्स मिलती हैं। और अगर इन्हीं को अपन ट्रेड करते हैं तो एक में एक एमरल्ड, मतलब एक एमरल्ड का तीन एमरल्ड हो रहे हैं, है ना, फ़ायदे का सौदा। चलो मैं अब आपको बुक्स भी ट्रेड करके बताता हूँ हमारे कुछ लाइब्रेरियंस से जो कि इधर हैं। चलो ओके ओके, चलो 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 चलो, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरा कैरेक्टर थोड़ा स्लो चल रहा है क्या। ओके, ये निठल्ला विलेजर कहाँ से आया। चलो कोई बात नहीं, इनसे बुक्स ट्रेड करते हैं। ये नहीं कर रहा, तू तो करेगा ना। हाँ, ये करेगा बुक्स ट्रेड। और हाँ, पोकट की एक्सपी भी मिलती है। खैर, एक्सपी के लिए तो हमारे पास हमारा आया फॉर्म है ही पकड़ो फॉर्म।
ये तो बुक ट्रेड ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगला ये क्या दे रहा है? इफिशेंसी 4। वैसे चाहिए मुझे, 2 ले लेते हैं क्योंकि मुझे मेरी एक्स में डालना है। और ये तो अभी चलो गोल्डन एप्पल है, अभी इसको करेंगे ठीक। एक्सपी भी दो। मैंने कुछ फेंक दिया क्या? देखते हैं, मेन चीज़ तो फेंक ही थी। चलो इसको भी रिपेयर करना है अभी। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे एमरल्ड्स हो चुके हैं और अभी रात भी हो चुकी है, तो चलते हैं फटाफट से सोते हैं। यही सो जाऊं क्या? गुड मॉर्निंग। ओके, ओ सूट वूट पहने हुए दादा इसके लिए। हाँ ओके, अभी मेरे पास 31 लेवल हैं, इन्हें यूज़ करते हैं अपनी एक्स में लगाकर। ओके, क्रीपी क्रीपी, डर नहीं बेटा क्रीपी। और अब ये गया। ओके, तो पहले इन दोनों को मिलाएंगे 5 और ये लगाएंगे अपनी एक्स में। ओके, तो हमारी एक्स ठीक हो गई है, मतलब इफिशेंसी 5 लग चुका है इसमें। और ये हमारा विलेजर फार्म। कुछ है क्या अपने पास खाने खिलाने के लिए इनको? चलो पहले ऊपर चलते हैं। हाँ, तो एक काम करेंगे, इन्हीं से खरीदते हैं और इन्हीं को दे देते हैं, ये अपना प्रक्रिया करते रहेंगे ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। वही वही वही। हाँ, अभी थोड़ी देर में एक विलेजर यहाँ से नीचे टपकेगा। आ जाओ। वैसे ही 2-3 विलेजर पड़े पड़े नीचे। और ये देखो एक और विलेजर नया आता हुआ। करेंगे इनका भी काम करेंगे। और हाँ, अभी तो मुझे चैनलिंग भी चाहिए। नहीं चैनलिंग नहीं, अपन लगाएंगे इनमें इसमें रैप टाइप। और हाँ, एक और चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया भाई, इतने दिनों में मैंने इतनी सारी चीज़ें करी हैं कि क्या बताऊँ। ये देखो इतनी पूरी जगह मैंने प्लेन कर दी है एकदम। यहाँ पर बनाएंगे एक अपना बढ़िया सा बीच हाउस और आजू बाजू सैंड लगा देंगे। और हाँ, ये पोटैटो फार्म मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है, इसे चेंज करना पड़ेगा भाई। भाई मेटल लिबरेजर, 5 दिन पहले आया था तब भी तू तेरी पेटी में 45 ही थे, 45 थे, आज 46 ही हुए बस। हाँ ठीक है, तो वैसे टाइम बहुत हो गया है, पहले इसे तोड़ा जाए अपने घर को। ये तो चलो शुरू करते हैं ऊपर से। अब एक से तोड़ने में मज़ा आएगा ना बाबू।
ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करेंगे। और भाई बहुत जल्दी टूट जाएगा वैसे घर। तो मैं आपसे तोड़ने के बाद मिलता हूँ, या फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दें। क्यों, फास्ट फॉरवर्ड करना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। सो ऑलराइट गाइस, इसे तो करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी देखो मैं एक जादू की छड़ी घुमाता हूँ और आपको ये पूरा का पूरा चेस्टों को छोड़ के पूरा का पूरा मेंशन गायब मिलेगा। पहले हम चलते हैं, ज़रा सोकर आते हैं। ये लगाया हमारा बेड। अब सुबह आपको पूरा मेंशन, अबे ऐसे गायब ही बोला था। हाँ तो अब देखो मैं चुटकी बजाता हूँ और ये मेंशन आपको गायब दिखे। सो ऑलराइट गाइस, देखो ये पूरा घर गायब हो चुका है। लग रहा है यहाँ पहले घर था, चेस्ट रखी हुई है ना। तो देखो मैं अकेला हूँ, मैं इतनी सारी चेस्टों का सामान इधर से उधर नहीं कर सकता। इसके लिए मैं ज़रा अपने पंटल लोगों को बुला के फिर उनसे करवाऊँगा, है ना। सही बात है कि नहीं भाई? हाँ, अकेले मैं कहाँ कहाँ करूँगा। और ये चेस्ट भी यही पूरे पूरे भरे हैं। ये देखो, ये देखो, इसके लिए ठीक है, बहुत है आज के लिए इतना। ओके तो ये रहा हमारा कैसल। दो मिनटों को, अब ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।